जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद घाटी में स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन इसी बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक ट्रक पर कथित तौर से पथराव की खबर सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पथराव के दौरान घायल हुए ट्रक चालक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि अनंतनाग के जर्दीपोरा इलाके में ट्रक पर पथराव किया गया था, जिसमें ट्रक चालक नूर मोहम्मद डार घायल हो गए थे, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस घटना की पूछताछ के सिलसिले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का यह मानना है कि बदमाशों ने इसे सुरक्षा बल का ट्रक मानकर इस पर हमला किया। जहां एक और जम्मू कश्मीर में हालातों को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं सरकार के लिए चिंता का सबब हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली 99।